हेलो दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट। जैसे कि आपको पता है, मैंने जेल प्रहरी प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का सेशन स्टार्ट किया है और आज हमें उसका फिफ्थ पार्ट देखना है। इसके चार पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, चार सेट हम सॉल्व कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप इससे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 1 अक्टूबर 2018 सेकेंड शिफ्ट का पेपर और सेकेंड शिफ्ट के पेपर में हिंदी के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए वीडियो में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नियोपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। हमें नामे छोटी की मात्रा नियोपसर्ग से बना शब्द बताना है। चारों ही ऑप्शन ध्यान से देखेंगे हम। ऑप्शन ए है नियम, बी है निर्भय, सी है नियम और डी है निर्भय। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है ए, नियम। नामे छोटी की मात्रा लगी है। आते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की तरफ। कथनी का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। हमें कथनी का सही विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है करानी, कारनी, कारनी या करनी। तो इसका सही आंसर है डी, करनी। कथनी का विलोम होता है करनी। कवित्री का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। कवित्री का विलोम बताना है। ऑप्शन है कवि, कवि, फिर कवि, फिर कवि। अगर आप ए और बी को देखेंगे तो यहाँ व और बा का डिफरेंस आया है, व और बा का फर्क आया है। और यदि आप सी और डी को देखेंगे, यहाँ पर व और बा के साथ बड़ी ई की मात्रा भी चेंज हो गई है, परिवर्तित हो गई है। और कवित्री का विलोम पूछा है स्टूडेंट्स, तो इसका सही आंसर है ए, कवि। एक प्रश्न और मैं बता दूं आपको, कवयित्री शब्द की, ये जो यहाँ पे शब्द लिखा है, इसका शुद्ध अशुद्धि में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका शुद्ध रूप क्या है। तो कवयित्री कैसे लिखते हैं यहाँ प्रश्न में दिया गया है, यही इसका शुद्ध रूप है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर चार को देखेंगे, संधि छेद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। हमें संधि छेद का सही संधि विच्छेद बताना है। तो चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, हमें केवल संधि की ही पहचान करनी है क्योंकि उसके बाद जो छेद लिखा है, छेद बिल्कुल सही है। अब संधि में कहीं कहीं धा भी आ गया है और घ भी आ गया है, कहीं छोटी की मात्रा है तो कहीं बड़ी की मात्रा है। बस आप प्रश्न को देखिएगा, वहां संधि कैसे लिखा है। तो स्टूडेंट्स, संधि का जो धा है उसमें छोटी की मात्रा आएगी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वो होता है संधि धन छेद। प्रश्न नंबर पांच की तरफ आते हैं, अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अधि के धा में छोटी की मात्रा है। आप चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए और इसका सही आंसर हो जाएगा फिर सी, अधि वर्ष। प्रश्न नंबर छह की तरफ बढ़ते हैं, चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है। ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, द्वंद समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पहले वाली वीडियो भी देखी होगी, यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, इस तरह का कोई प्रश्न आता है, तो हमें ऑप्शन का अर्थ भी समझ में आना चाहिए। मैंने पहले वाले वीडियो में काफी बताया भी है, तो इस वीडियो में भी मैं बता दूं। जैसे अव्ययीभाव समास है, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वहां अव्ययीभाव समास होता है, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है, जहां कोई भी पद प्रधान नहीं होता या तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत की जाती है वहां बहुव्रीहि समास होता है, और जहां पहला पद संख्यावाचक है और विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध हो वहां द्विगु समास होता है। तो अब इतनी हमें परिभाषा पता चल गई है। शब्द दिया है चौमासा, और चौमासा का विग्रह होता है चार मासों का समूह या चार माह का समूह। तो स्टूडेंट्स, यहाँ विग्रह करने पर संख्या भी आ गई है और विग्रह करने पर समूह भी आ गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, द्विगु समास। प्रश्न नंबर सात की तरफ आते हैं, शताब्दी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। हमें शताब्दी का शुद्ध रूप बताना है। प्रश्न में ये गलत लिखा है, तो चलिए चार ऑप्शन देख के इसका शुद्ध रूप बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शताब्दी। प्रश्न नंबर आठ की तरफ आते हैं, अश्व के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। हमें अश्व का सही पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और सारे ही ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद हमारा आंसर है अश्व है बाजी, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर नौ की तरफ आते हैं, जिसे इस बात का ज्ञान न रहे कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है,
ये पूरी पंक्ति के लिए हम एक शब्द की पहचान करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है सी, किम कर्तव्य विमूढ। जिसे इस बात का ज्ञान न रहे कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, उसे कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द बना है किम कर्तव्य विमूढ। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देर लगाकर काम करने वाला, इस वाक्य के लिए हमें एक शब्द की पहचान करनी है। ऑप्शन है तीव्र लंबी, दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री और विलंब। तो स्टूडेंट्स, बी और सी ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। बी और सी में ध और घ का केवल फर्क है, तो वो दीर्घसूत्री होता है, दीर्घसूत्री नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 11 है, अंधा बनना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। हमें अंधा बनना, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन है मृत्यु के करीब होना, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना, या एक ही स्थान पर खड़े रहना, और डी ऑप्शन है अनजाने में रहस्य समझ लेना। तो इसका सही आंसर है बी, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना। प्रश्न नंबर 12 की तरफ आते हैं, अनवृत्ति से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है अनमना, रहन, अनबन, अनचाहा। तो ये अनप्रत्यय की बात चल रही है, जो शब्द के पीछे लगता है। बहुत ही आसान है इसका आंसर, और आंसर है बी, रहन। प्रश्न नंबर 13, जंगल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो स्टूडेंट्स, चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, और जंगल का सही पर्यायवाची होता है वन, अरण्य, कानन, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, मनोकामना का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम चारों ऑप्शन को देखेंगे तो इसका सही आंसर रहेगा मनः धन कामना। ये बिल्कुल शुद्ध रूप होता है मनोकामना का। प्रश्न नंबर 15 है, रामानुज का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। हमें रामानुज का समास विग्रह बताना है। ऑप्शन है एक नाम, रामनुज, राम का अनुज या राम की बहन। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है सी, राम का अनुज। और राम का अनुज है, यानी इसमें कौन सा समास है स्टूडेंट्स, तो इसमें समास है तत्पुरुष समास। आते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ, अनुच्छेद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अनुच्छेद का सही संधि विच्छेद बताना है। चारों ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, हमेशा करते हैं केवल बीच का जो चाहे। अब जैसे किसी ने मेरी संधि की वीडियो देखी होगी तो वो एक बार में आंसर बता देंगे, पर फिर भी जिन्होंने नहीं देखी है मैं उनको बता दूं। अनुच्छेद में यदि हम चा को हटा दें और चा की जगह यदि हम धन लगा देंगे तो ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुधन छेद, ना में छोटे ओ की मात्रा आएगी, छा में ए की मात्रा आएगी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, प्रीतम द्रग मीचत पिया, पानी परस मुख सुख पाए, जनी पिछानी अजान लो, नेको ना होती लखाए। इसमें हमें रस की पहचान करनी है। ऑप्शन है रौद्र रस, शांत रस, वात्सल्य रस या श्रृंगार रस। तो स्टूडेंट्स, रौद्र रस क्या होता है, जहां पर क्रोध नामक स्थिति का वर्णन हो वहां रौद्र रस होता है। और शांत रस कहाँ होता है, जहां सांसारिक मोह माया से दूरी की बात की जाए वहां शांत रस होता है। और जहां बच्चों की आनंदमय क्रियाओं का वर्णन हो वहां वात्सल्य रस होता है। और जहां प्रेम या अनुराग का वर्णन हो वहां श्रृंगार रस होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है डी, श्रृंगार रस। आते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ, कंकड़ किंकिड़ नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसमें हमें अलंकार की पहचान करनी है। तो जैसे कि आपको पता है, पहले वाले वीडियो से हम कंपेयर करेंगे और जैसे हम आंसर निकालते हैं सेम वैसे ही आज हम फिर से इसका आंसर निकालेंगे। तो ऑप्शन है हमारे पास श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। बिल्कुल घबराना नहीं है अलंकार के प्रश्न से। तो श्लेष अलंकार क्या होता है दोस्तों, जहां पर एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। और जहां शब्द बार बार आए और वहां अर्थ अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। और जहां वर्णों की आवृत्ति दो से अधिक बार 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 हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में तुक भी मिलते हैं,
यानी अंतिम अंत की जो दोनों पंक्ति जो दो पंक्तियां हैं उसके अंत में वर्ण समान है तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। और उपमा अलंकार कहाँ होता है? जहां उपमेय में उपमान की समानता या उपमेय की उपमान से समानता या तुलना हो वहां उपमा अलंकार होता है। तो स्टूडेंट्स आप उदाहरण को ध्यान से देखिए, कंकड़ किंकिण यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है। उसी प्रकार दोनों पंक्ति के अंत में देखिएगा सुनी गुनी में ना ना वर्ण समान आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, यानी तुक मिल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। आते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। अति मलिन वृष भानु कुमारी हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे तालालचना धुआवत सारी। इसमें हमें रस की पहचान करनी है। सेम वही ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हैं, रौद्र रस, शांत रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है श्रृंगार रस। इस उदाहरण में भी श्रृंगार रस ही उदाहरण आंसर है। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है ये और इसमें हमें अलंकार की पहचान करनी है। ऑप्शन सेम वही दिए गए हैं स्टूडेंट्स जो इससे पहले वाले उदाहरण में पूछे गए थे, तो इसको समझाने की जरूरत दोबारा नहीं होनी चाहिए, आपको उसी का ध्यान रखना है। आपको जो मैं छोटी छोटी बातें बताती हूँ आप उसे नोट करते चला करें। तो देखिए कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, इसको यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे शब्द रिपीट हो रहे हैं पहली चीज तो, और हर बार इसका अर्थ अलग आ रहा है। जैसे कनक कनक दो बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ अलग होगा। एक बार इसका अर्थ धतुरा होगा और एक बार इसका अर्थ सोना होगा। ये तो सबको पता होना चाहिए, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है और बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कई बार पूछा गया है। तो जहाँ एक ही जहाँ शब्द बार बार आ रहे हैं, अर्थ हर बार अलग हो, तो भाई वहां पर तो यमक अलंकार होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और काफी आइडिया आपको लग गया होगा कि जो जेल बरेली का पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।